हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। गाइस, मैं आया हूँ देवनार में। देवनार है मैं। आज है मंगल की मंडी, ट्यूसडे का दिन है, मंडी लगी है। और मैं आपको बता दूँ कि देवनार के अंदर मंडी हफ्ते में दो बार लगती है, एक शनिचर के दिन, एक मंगल के दिन, एक सैटरडे के दिन, एक ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो आज मैं आया हूँ देवनार में और अभी मैं खड़ा हूँ लखपति चाचा के बाड़े के बाहर। तो मैंने इंटरव्यू यहाँ से किया क्योंकि इस बार मैंने आज मैं पैदल आया हूँ, गाड़ी नहीं लाया था। तो मैंने डायरेक्ट इंटर इधर से किया और सोचा कि यहीं से कुछ जमा करते हुए चलते हैं। तो जाएंगे अभी लखपति चाचा के बाड़े के अंदर और जानेंगे इनके रेट्स वगैरह। तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये लोग अभी रेट बताने के लिए बहुत वो करते हैं, क्योंकि चाचा को इन्होंने रेस्ट दे दिया है। चाचा की तबीयत सही नहीं चल रही है तो रेट वगैरह भी लोग दे नहीं पाते। तो मैं खाली आप लोगों को इनके बकरे दिखाऊंगा और आप लोग अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग यहाँ आके इनके बकरे देख सकते हैं। बहुत ही इजी एड्रेस है। आप इंटर करोगे, सबसे पहला जो देवनार का मेन बड़ा कैंटीन है उसके पीछे ही S2 का बाड़ा है। वहाँ पर आप अगर पूछोगे लखपति चाचा का बाड़ा किधर है तो कोई भी आपको बता देगा। लखपति चाचा का बाड़ा बाहर से ऐसा नज़र आता है, कुछ झंडियाँ वगैरह कुछ लगी है यहाँ पे, ऐसा नज़र आता है। अंदर से मैं सिर्फ आपको बकरों को दिखाऊंगा, कौन बकरे कैसे हैं इनके पास, क्वालिटी के बकरे हैं। खाली ये दिखाऊंगा, बाद में किसी से करूँगा नहीं क्योंकि ये लोग मुझे रेट नहीं बताते बराबर और ये लोग फ़ोन नंबर भी नहीं देते। आप लोग एड्रेस ढूंढ के आओ, यहाँ पर आके बकरे देख लो, पसंद आते हैं तो आप लोग आके डायरेक्ट डील करो। ठीक है, और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया जिसका नाम है अदनान भाई, रहते हैं जेकब सर्कल बाइकल्ला में। उनका फ़ोन आया कि अलवर में किसी व्यापारी ने उनके साथ में कुछ फ्रॉड किया है 20,000 का, और ऐसे ही उनके एक और किसी दोस्त के साथ किसी और व्यापारी ने किया, मतलब वो भी सेम अलवर का ही था। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आज मंडी के दिन मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ शेयर हो। अलवर के व्यापारियों से डील फिलहाल ना करें क्योंकि उनके बहुत सारे फ्रॉड केसेस आए हैं। मेरे एक ही सब्सक्राइबर के दो दोस्तों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है, मैं उनका नाम लेना, मुझे एक्चुअली नाम याद भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको नाम लेके बताता। लेकिन मेरा जो सब्सक्राइबर है उसका नाम मैं आपको बताऊँगा, उसका नाम है अदनान बाइकल्ला, जेकब सर्कल पर रहता है। बंदे का 20,000 रुपये उन लोग ने लिया है लेकिन उसको बकरे की डिलीवरी अभी तक मिली नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अलवर से फिलहाल कोई डील ना करे, किसी से भी कोई डील ना करे, अलवर के व्यापारियों से किसी से भी नहीं करे। ठीक है, बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, तभी इनके समझ में आएगा क्योंकि एक नहीं ऐसे तीन केस हो गए क्योंकि बकरों के साथ में और बकरों की डिलीवरियाँ नहीं मिली है, लोगों से पैसा ले लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ फ़िलहाल के टाइम पर अलवर वाले लोगों से कोई डील ही ना करें। ठीक है, और अगर डील करें तो अपने हिसाब से करें क्योंकि बाद में उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अभी हम देवनार में है, लखपति चाचा के बाड़े में है। ये लखपति चाचा के बड़े लड़के हैं, ये छोटे लड़के हैं और इनके छोटे सा भाई और है, वो भी बाहर गए। तो ये सारे लोग यहाँ पे हैं। चाचा को ये लोग ने रेस्ट दे दिया, चाचा की तबीयत सही नहीं है इसलिए चाचा घर पे रहते हैं। ये लोग का मैं नंबर लेता नहीं या ना या ये लोग देते हैं नंबर, बट एक रिलेशन है, चाचा से मोहब्बत थी, इनसे भी मोहब्बत है तो यहाँ आते हैं और इनके वीडियो बना के जाते हैं। नंबर देते हैं तो परेशान करते हैं, नंबर देते हैं तो परेशान करते हैं ये लोग बोल रहे हैं, तो परेशान इसलिए इन लोग का ये भी जेन्युइन रीज़न है कि नंबर देने का मतलब ये नहीं कि कोई भी उठे छूटे फ़ोन करे, तो वो भी रीज़न जेन्युइन है, उसके लिए भी अपन फोर्स नहीं करेंगे किसी को। बहरहाल बकरे इनके बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी में है। ये S2 बाड़ा है, S बाड़े के इधर पे ही सामने इनके बकरे हैं, आप लोग कभी भी आके यहाँ पे देख सकते हो। 24 ये लोग शाम में 8-9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी को इंटरेस्ट हो इन बकरों में आप लोग आके देख लेना यहाँ पे, अगर आपको कोई बकरा पसंद आता है तो। रेट और ये सारी चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, देवनार के अंदर इंटर किया है, अभी आगे चल के देखते हैं कुछ और देखने को मिलता है तो वो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो गाइस अभी मैं आया हूँ आयाज भाई के बाड़े में। आयाज भाई के बाड़े के पास इनके पास एक आया है बच्चा जो कि फॉर सेल है, बोर बेंटम क्रॉस बता रहे हैं इसको आयाज भाई, जो कि फॉर सेल है। अभी ये अदंत में है और 15,000 इसका प्राइस ये कोट कर रहे हैं, जो कि स्लाइडली नेगोशिएबल होएगा। 15,000 है ना,
15,000 प्राइस से कोट कर रहे जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल रहेगा। और वो वाले का कितना है, छोटे वाले का? गाइस लास्ट टाइम हम लोग ने एक वीडियो कवर किया था ये वाले बकरे का, जो कि जिंक और शायद से कोई और ब्रीड के साथ ये क्रॉस किया हुआ है। तो इसका अभी ये भी फॉर सेल है, ये अभी तक सेल हुआ नहीं है। तो ये 12,000 रुपये इसका कोट कर रहे जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल रहेगा। हाँ तो ये भी फॉर सेल है। हाँ अच्छा ओके तो ठीक है। और गाइस मैं आप लोगों को थोड़े छोटे बच्चों के भी वीडियो डाल देता हूँ जो कि आयाज भाई के पास आए थे फॉर सेल के लिए और सेल हो चुके ये सारे बच्चे हैं जो कि सेल हो चुके हैं। अगर ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी को चाहिए हो तो आयाज भाई से कांटेक्ट करके आप ये चीज़ें मंगा सकते हो, आपको ये अरेंज करवा देंगे। ठीक है तो ये सारे बच्चे हैं जो कि अभी सेल हो चुके हैं। बस मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको ऐसे कुछ बच्चों में इंटरेस्ट हो, छोटे बच्चों में, तो आप लोग इनको बोल सकते हो आयाज भाई को। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, आप उनसे कांटेक्ट करके अगर ऐसे बच्चों में इंटरेस्ट हो तो आपको अरेंज करवा देंगे। और इसमें से अगर एक आध में इंटरेस्ट आपको हो तो आप लोग उनसे बात करना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मार्क करके आयाज भाई को शेयर कर देना कि मुझे ये बकरे में इंटरेस्ट है, तो आप लोग को बता दिया जाएगा क्या रेट वगैरह है, अगर इसमें से किसी एक आध में आपको इंटरेस्ट हो तो। ठीक है आइए हम लोग खाली मैं अभी आपको सिर्फ बाजू के बाड़ों का टूर करा देता हूँ। और देखिए देवनार में माशाल्लाह आजकल काफ़ी अच्छे मतलब देखा जाए तो जानवर आ रहे हैं। ये देखिए सामने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े बकरे बकरियाँ हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छा लॉट है। ये देखिए तो ये सारे बकरे हैं यहाँ पे मुस्तकीम भाई के बाड़े में भी, ये सारे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के बकरे हैं। इनका रेट वगैरह तो हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुस्तकीम भाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुन्ना वहाँ अंदर बैठा है। तो सिर्फ मैं आपको यही बता पाऊँगा कि ये देखो क्वालिटी अच्छी है देवनार के अंदर ये बकरों की। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मुस्तकीम भाई के बाड़े में आके इसके बारे में बात कर सकते हैं। रेट वगैरह के रिगार्डिंग क्या आपको बात करनी है उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे वो साइड और वहाँ जाके देखेंगे कुछ, अगर क्वालिटी देखने को मिलती है तो देखेंगे, अदरवाइज़ वीडियो को एंड करेंगे। खाली क्वालिटी दिखने का अपने कहाँ पे अंदर की वीडियो बनाया मैंने। सब अच्छी क्वालिटी के बकरे हैं ये, जस्ट अभी आए हैं, अभी अपने नासिर भाई के पास आए देवनार में। इसमें ये बकरा बहुत गर्म भी है। नासिर भाई के बकरे हैं ये, नासिर भाई बनूर वाले नहीं है, नासिर भाई ये नासिर भाई अरवाज भाई मुस्तकीम भाई। तुम्हारा नासिर भाई कौन सा सरनेम क्या है तुम्हारा? नासिर खान मेरे। हाँ ये आपके पूरे बकरे आपके हैं ना? हाँ तो ये इनका नाम है नासिर खान। इनका बाड़ा यहाँ से अंदर की तरफ है और ये सब बकरे इनके हैं। गाइस किसी को इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे देवनार में आके नासिर खान करके पूछोगे ना, एक नासिर भाई अपने बनूर वाले और एक ये नासिर भाई इनका नाम है नासिर खान। तो इनके बकरे भी अच्छे क्वालिटी के हैं यहाँ पे। जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो नासिर भाई से आके मिले, नासिर भाई आपको देवनार में मिलेंगे। नासिर भाई हो गए, अरबाज भाई हो गए, ये सब लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देवनार के अंदर। यहाँ से ना अंदर, यहाँ से अंदर राइट मारोगे ना आप तो थर्ड नंबर भाड़ा है इन लोगों का, अरबाज भाई, नासिर भाई या मुस्तकीम भाई, है ना? सिराज भाई क्या? मुस्तकीम सिराज भाई, अरबाज भाई, हाँ मुस्तकीम भाई अलग हो गया, अरबाज भाई, सिराज भाई और नासिर भाई, ये तीनों जन हैं जो यहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा इन बकरों के रिगार्डिंग बात करने के लिए। ठीक है क्वालिटी वाइज बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये जस्ट अभी लौट आया, मेरे सामने आया तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया, अभी मेरे सामने आया, मैं नज़दीक से आपको बता देता हूँ। नासिर भाई अपना नंबर बोलो ना। 810 हाँ 85 83 874। वापस से रिपीट करेंगे 810 85 83 874। गाइस ये नासिर भाई का नंबर था, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो आप लोग इनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है ये तो
वो तो हमेशा चलते रहते जाते रहते हैं। कहाँ कहाँ से फोन आता है मेरे?